Good morning to you all. Today I have come up with some words which most of the students probably use, and they have different understanding about these words. So the first word written here is belief. Belief and believe. So belief, how do you use this word? It is my belief that ghosts exist. ये मेरा विश्वास है कि ghosts भूत होते हैं. Believe, I believe in God. मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ. यहाँ पे सब बोलते हैं कि believe. तो ये जो believe है, ये noun है और ये believe ये verb है, ये action. ठीक. Ignorance, ignorance, अज्ञान. Ignorance, अज्ञान. अब इसको कैसे use करेंगे? I was ignorant of the fact that. मैं उस fact के बारे में ignorant था. Ignorance. All this happened because of ignorance. ये सारा जो कुछ हुआ ignorance की वजह से हुआ, अज्ञान की वजह से. दोनों sentence का difference समझ में आ रहा है? जब भी आप ये noun use कर रहे हैं तो आपको कहाँ मिलेगा? और adjective भी use कर रहे हैं तो कहाँ मिलेगा sentence? वो ध्यान रखना. जैसे मैं बोलूँ he was a ignorant man. कैसा मैं बोलूँ ignorant man? ये adjective में एक विशेषता बता रहा है. तो adjective. Pride and proud. Pride. His pride has been hurt. इसके pride को hurt किया है. Proud. Proud father. Proud student. अब student के father का noun उसके पहले proud आया होता है adjective. ठीक है, तो adjective जो है noun के पहले आ रहा है, ये ध्यान रखना. वैसे ही आप इसको सेम तरीके से यूज नहीं कर सकते. Truth and trust. Truth. I want to know the truth. मुझे सच जानना है. आई ट्रस्ट दैट मैन. मैं उस आदमी पे विश्वास करता हूँ. अगेन वर्ब एंड नाउन. कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंट. कई बार इंटरव्यू में स्टूडेंट्स बोल देते हैं आई एम कॉन्फिडेंस. उनको बोलना होता है आई एम कॉन्फिडेंट. ठीक, ये एडजेक्टिव. जैसे कॉन्फिडेंट कैंडिडेट. कैंडिडेट नाउन, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव. कैंडिडेट को डिफाइन कर रहा है. कॉन्फिडेंस एज अ नाउन में सी यूज़. आई लाइक योर कॉन्फिडेंस. मुझे आपका कॉन्फिडेंस पसंद है. अनदर वर्ड इज डेथ एंड डेथ. डेथ. डेथ इज यूनिवर्सल. डेड. डेड मैन. मैन क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. डेथ नाउन. एडवाइस एंड एडवाइस. एडवाइस मतलब किसी इसके आगे सी ही है लास्ट में, तो इसका मतलब ये नाउ. आई लाइक योर एडवाइस. मुझे आपकी एडवाइस पसंद है. एडवाइस मी. मुझे एडवाइस दो. वर्ब. तो ए सी आया तो ये वर्ब. सी आया तो नाउ. वैसे ही प्रैक्टिस में भी होगा. प्रैक्टिस में ए सी आया तो वर्ब. प्रैक्टिस में सी ही आया तो नाउ. एंगर एंड एंगर. एंगर. कंट्रोल योर एंगर. नाउ कंट्रोल योर एंगर. ऐसा नहीं बोल सकते कंट्रोल योर एंगर. ऐसा नहीं बोलते. ही इज एंग्री मैन. एडजेक्टिव. विशेषता बता रहा है ऐसा मैन एंग्री. इम्पोर्टेंस एंड इम्पोर्टेंट. यू शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन. तुम्हें डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए. नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नाउ कैसा है क्वेश्चन? वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट या एडजेक्टिव. तो ये ध्यान रखना है कि किस वर्ड को आप एज अ नाउन यूज कर रहे हो, एज अ एडजेक्टिव यूज कर रहे हो या एज अ वर्ब यूज कर रहे हो. सो दिस वाज द कॉमनली दिस वर द कॉमनली मिसयूज्ड वर्ड बाय द स्टूडेंट्स. सो आई होप दैट यू विल नाउ बेटर यूज इट.